Hello everybody. Welcome to Glamour Presents Bindaas Ye Hai Aashiq, co-presented by Carbon and powered by Castrol Active Scooter. Well, ये जो प्यार है, जिसके बारे में हम अक्सर बातें करते रहते हैं कि प्यार ऐसा है, प्यार वैसा है, प्यार अच्छा है, प्यार बुरा है. No, जितना आसान ये शब्द सुनने में लगता है, उतना ही मुश्किल इसके अर्थ को निभाना होता है. और अक्सर ऐसा कब हो जाता है, जब आप मुंबई जैसे शहर में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि किसी के पास किसी से बात करने के लिए समय नहीं, और अगर कोई गलतफहमी हो जाए तो उसे दूर करने का भी समय नहीं. माय क्वेश्चन इज कि क्या ऐसे में भी एवरलास्टिंग लव कैन इट हैपन? निशा, क्या बात है? डॉक्टर साहब का ब्लड प्रेशर क्यों हाई है? जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड 10 मिस्ड कॉल्स के बाद भी तुम्हारा फोन आंसर नहीं करेगा ना, एंड ही टेक यू फॉर ग्रांटेड, देन यू नो. ऑफ कोर्स मुझे कैसे समझ आएगा, एक इकलौता ही तो ऐसा लड़का है जिसको देख के मेरी हार्ट बीट रुक जाती है, और वो तुझ पे फिदा है, और तू है कि उसे भाव ही नहीं देती. फाइनल डॉक्टर राहुल इज आवर सीनियर. सीनियर, हॉट एंड ब्रिलियंट एट हिज वर्क. और क्या स्वीटहार्ट, मैं हर वीकेंड पार्लर जाती हूँ, लेटेस्ट हेयर स्टाइल्स, लेटेस्ट ट्रेंड्स, पर वो फिर भी मुझे भाव नहीं देता. प्यार वाली नजर से नहीं, वैसी वाली नजर से देखे. कौन मना कर रहा है पायल? डॉक्टर राहुल, फाइन. किसके बारे में बात हो रही है? एक्चुअली मैं आपको ढूंढ रही थी. देयर इज एन इमरजेंसी ऑपरेशन, राइट? ओके, देख लेते हैं. लेट्स गो. या एक्चुअली द पेशेंट्स कीप्स कमिंग बैक. तू किधर जा रहा है? अबे तू पागल है, हाउ कुड यू जस्ट? अरे भैया आपको पता नहीं, इस वक्त मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ. निशा और मेरी पहली एनिवर्सरी है, यानी आज ही के दिन हम पहली बार मिले थे. एंड 10 मिस कॉल्स फ्रॉम हर. लड़की का एक कॉल मिस हो जाए तो अर्थक्वेक आ जाता है. 10 मिस कॉल से सोचो मेरा क्या होगा. आई नीड टू मीट हर, वरना इस सीन की तरह ना मेरी अगली मुलाकात उससे 3 साल बाद होगी. आई विल बी बैक इन, आई प्रॉमिस. अबे सारे डायरेक्टर ने तेरे बारे में पूछा तो अरे हाँ, तो कह देना कि प्रॉपर्टी के रूम में भेजा है. अरे इतने बड़े असिस्टेंट डायरेक्टर हो, कुछ तो करोगे ना मेरे लिए? प्लीज प्लीज भैया. ओके भैया. और हाँ, भाई की चाबी दे दो. अबे आई विल बी बैक इन ना, प्रॉमिस. डैम, दिस लव स्टोरीज ना. व्हाट, क्या कर रहे हो यार? ओ डैम, सॉरी सॉरी. सरप्राइज. Wow, what a surprise! Boyfriend, तुम निशा के हो, फ्लावर्स मेरे लिए. क्यों जी? Excuse me, ये फ्लावर्स निशा के लिए हैं. Where's my doctor's? उसे कह दो कि उसका मरीज आया है. वाह वाह, क्या लाइन मारी है. तुम्हारी लव स्टोरी में ना एक छोटा सा ट्विस्ट आने वाला है. What do you mean? कहाँ है वो? निशा इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में है. ऑपरेशन चल रहा है. वेरी लकी के निशा ने राहुल को छोड़ के तुम्हें चूज किया. तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या पाए? तुम निशा की फ्रेंड कम भाई ज्यादा साउंड करती हो. जब भी तुमसे बात करता हूँ ना, ऐसा फील होता है कि राहुल इज द सुपर हीरो और मैं फ्लॉप स्टार. वेल, अगर तुम उसे जल्दी से प्रपोज नहीं करोगे तो राहुल विल बी द रियल हीरो. और तुम्हारी फिल्मों में तो रियल हीरो वही होता है जो हीरोइन को ले जाता है एंड में. मुझे इन धमकियों से डर नहीं लगता. किसी और को डराना. निशा के गुस्से से भी डर नहीं लगता. आज तुम्हारी एनिवर्सरी है ना, तुम्हारी पहली मीटिंग की. शी इज फ्यूरियस. आई नो यार, बट डोंट वरी, आई विल मेक अप फॉर इट. अच्छा सुनो, ये प्लास मेरी तरफ से निशा को दे देना. मुझे शूट पर वापस जाना है, और उसे कहना उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में 10:30 PM मैं उसके लिए डिनर का इंतजार करूंगा. ओके बाय. बाय. Hi. देवी, मुझे पता है तुम बहुत गुस्सा हो, पर तुम जानती हो ना मेरी इंडस्ट्री को. सेट पे इतना कंफ्यूजन था और सब कुछ लास्ट मिनट. वही सेम ओल्ड स्टोरी. आज कुछ नया बोल दो. आई लव यू. I know. That's why हमारी पहली एनिवर्सरी भूल गए, राइट?
ये भी हमारी इतनी एनिवर्सरीज होती हैं, फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट डेट, फर्स्ट डिनर, फर्स्ट फाइट, फर्स्ट। इट्स नॉट फनी। सुनो, नॉट चेयर अप, अपने भाई की बहन बनना बंद करो, जस्ट लूजन अप और ओवर रिएक्ट करना बंद करो। वरुण, भैया को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं। यू नो दैट ही डिसलाइक्स यू, राइट? नो, एक्चुअली ही हेट्स यू। हमेशा तुम्हारा साथ दिया मैंने। ओके, चिल। आई एम सॉरी। ओके, चिल। आई कांट चिल, क्योंकि आज सुबह ही भैया ने पूछा है कि हम लोग शादी कब कर रहे हैं। देखो निशा, तुम जानती हो कि इस वक्त हम शादी नहीं कर सकते। आई मीन जस्ट लुक एट माई लाइफ स्टाइल यार। आई लिव एज अ पीजी इन रोहित भैया हाउस। आई डोंट हैव अ हाउस। आई एम स्टिल एन असिस्टेंट डायरेक्टर। और जिसको भी पता चलता है कि तुम डॉक्टर हो ना, वो एक मौका नहीं छोड़ता मुझे नीचा दिखाने का। निशा, यू आर नॉट गेटिंग इट। इस वक्त तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। हमेशा वही बातें, वही प्रॉब्लम्स। और ये जो फर्क है ना हम दोनों में, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इनफैक्ट मैं जानती हूं कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम कमिट करना ही नहीं चाहते। यू जस्ट केयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। निशा वेट यार, वही तो कर रही हूं पिछले काफी दिनों से, आगे भी करती रहूं। बाय निशा। Damn these women. These women, I tell you, they can be quite a pain. पर आदमी भी कौन से संत होते हैं? What a coincidence. हम दोनों का ब्रेकअप आज ही के दिन हुआ। दोनों आज ही के दिन डंप हुए। Excuse me? Relax. मेरा कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है। एक छोटा सा झगड़ा हुआ है और कल सुबह तक ठीक भी हो जाए। वैसे भी हम ज्यादा देर एक दूसरे से दूर नहीं रहते। Okay, chill. Sonia. Paro. Waiter, two large scotch, please. वो मुझे जाना है। एक मिनट, I'm heartbroken. I need a friend, someone to talk to. Stay for a drink, please. Please, sit. Okay. इतनी देर कहाँ लग गई? हॉस्पिटल से तो 9 बजे निकल गई थी तुम। हाँ भैया, वो हॉस्पिटल से डायरेक्टली वरुण के साथ डिनर पे चली गई थी। फिर से उसके साथ? तू उस लड़के में क्या दिखता है? Why can't you just get over him? राजेश, कभी कोई नई लाइन भी बोल लिया करो। तुम्हारी ये सेम बात सुन सुन के ना हम दोनों बोर हो चुके हैं। सारे डॉक्टर्स मर गए थे क्या? पता नहीं कहाँ से इसे वो डायरेक्टर मिल गया। इनफैक्ट He's not even a director. He's an assistant director. भैया, assistant director में problem क्या है? Problem ये है कि वो पूरी ज़िंदगी assistant director ही रह जाएगा। मैं इस industry को अच्छे से जानता हूँ। वो सिर्फ तुम्हारा advantage ले रहा है। भैया, मैं 5 साल की बच्ची नहीं हूँ कि वो मेरा advantage लेगा। I'm a doctor. Exactly. You're a doctor and you should marry a doctor. राहुल को देखो, कितनी अच्छी family है। He likes you, his family likes you. इनफैक्ट उसकी फैमिली चाहती है कि तुम दोनों की शादी हो जाए। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है भैया कि प्यार ही नहीं है, और जहां प्यार है वहां आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है। तो व्हाई डू? गुड नाइट। कभी ना कभी तुम जरूर समझोगी कि मैं सही कह रहा हूं। अरे वरुण तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम अभी बैठ जाओ। सुनो वरुण, तुम कितने अच्छे हो।
अभी तक मेरे बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बने? I don't know. आराम से. इसलिए क्योंकि तुम्हें शायद कोई बेटर मिलेगा, और इसलिए भी क्योंकि आई एम इन अ कमिटेड रिलेशनशिप. नाउ यू रिलैक्स. नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते. मैं अकेली नहीं रहना चाहती. स्टे बैक प्लीज वरुण, स्टे बैक. सोनिया, आई कांट. मैंने कहा ना, आई एम इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, और उस लड़की से मैं दीवानों की तरह प्यार करता हूँ. सो प्लीज. वाह, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है मेरा. एक ही रात में मुझे दो दो लोगों ने डंप किया. पहले वाले ने इसलिए डंप किया क्योंकि उसे प्यार की कदर नहीं थी, और दूसरा वाला मुझे इसलिए डंप कर रहा है क्योंकि उसे प्यार की परवाह है. अमेजिंग अमेजिंग. फोन भी नहीं कर सकता. मेल ईगो. वरुण और निशा के रिलेशनशिप में अब डिफरेंसेस बढ़ने लगे, लेकिन इन दोनों के बीच की जो प्रॉब्लम्स है वो तब बढ़ गई जब इनके आसपास के लोगों ने इन दोनों को कंपेयर करना शुरू किया. नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या ये डिफरेंसेस हमेशा के लिए थे या फिर ये डिफरेंसेस कम होने वाले. लेट्स फाइंड आउट. तो असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ साथ फ्लास्क डिलीवरी का काम भी शुरू कर लिया. क्या करूं भैया, आप ही ने कहा था ना कि आपकी बहन से शादी करने से पहले ढेर सारे पैसे कमा लें. सो हे वरुण. हाय भाभी. हाय, आओ ना. ओ स्वीट, ब्यूटीफुल. ऐसे ये एंग्री गर्लफ्रेंड को फ्लास देने वाला आइडिया ना हमेशा काम करता है. बट स्मार्ट हाँ. कुछ सीखते क्यों नहीं तुम इससे? आज तक एक रोज भी दिया तुमने मुझे. हाँ, क्योंकि एक हस्बैंड को अपनी बीवी को रोज के अलावा और भी बहुत कुछ देना पड़ता है. स्टेबिलिटी, पैसा, कंफर्ट. अरे रोज का आइडिया एक दो दिन में खत्म हो जाता. तो कोई बात नहीं, फिर कोई और आइडिया ढूंढ लूंगा. क्यों भाभी? अच्छा, मैं तुम्हारे जूस लेके आती हूँ. अच्छा. तुम अपनी फील्ड से कोई और लड़की क्यों नहीं ढूंढ लेते? हीरोइन हीरोइन टाइप. क्या करूं भैया, वो हीरोइन विरोइन है ना, निशा जितनी ब्यूटीफुल नहीं होती. इसीलिए सिर्फ डायलॉग से जिंदगी नहीं चलती, जिंदगी चलाने के लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ता है. निशा की शादी राहुल से ही होगी. जस्ट वेट एंड वॉच. आई एम श्योर उसे जल्दी रियलाइज हो जाएगा कि कहां एक एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर और कहां एक स्ट्रगलिंग असिस्टेंट डायरेक्टर. कम ऑन निशा, हम जिस प्रोफेशन में हैं वहां ऐसा रोज होता है. उसका 8 साल का बेटा है. His wife. I completely understand. तुमने अपने प्रोफेशन में ऐसी ट्रेजेडी पहली बार देखी है. But just be strong. तुम ऐसे अपने इमोशंस को काम के बीच में नहीं ला सकते. Come on, please, निशा. Yeah.
stop crying. अरुण तुम्हें पता है क्या हुआ? हाँ, देखा मैंने अभी। And I hope I didn't disturb you. What? अब तक तुम्हारे भैया और तुम्हारे फ्रेंड्स मुझे फील कराते थे, और अब तुम भी, कि राहुल इज द राइट पर्सन फॉर यू एंड आई एम जस्ट अ लूजर। ग्रेट, थैंक यू सो मच। How disgusting! तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? वही जो मैंने देखा। You know what? You really are a loser. बात तो ऐसे करती हो जैसे तुम और तुम्हारे भैया को हर हफ्ते नोबेल प्राइज मिलता है अपने काम के लिए। मेरी भी ड्रीम्स है। लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगे। और हाँ, अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है ना, तो why be together यार? Just go marry that Rahul ना। Yeah, fine. Even I think I should marry Rahul. Just have a happy life ahead. तुमने ना पता दिया ना फोन नंबर, सो आई थॉट आई शुड फाइंड यू हियर एंड आई डिड। आई जस्ट वांटेड टू से सॉरी फॉर दैट नाइट। वैसे मैं तुम्हारी एक चीज लौटाने आई हूं। ये लो। Thanks. क्या हुआ? बहुत अपसेट लग रहे हो? ब्रेकअप के बाद नॉर्मली लोग अपसेट ही होते हैं। ब्रेकअप? ब्रेकअप क्यों? एक्चुअली मुझे पता था कभी ना कभी तो ये होना ही था। You know, once a loser is always a loser. हाँ तो मैं साला पैसे कमा सकता हूँ, ना ही कमिटमेंट दे सकता हूँ, और ना ही मेरे पास एक स्टेबल करियर है। मैं जिस प्रोफेशन में हूं ना, वहां हर फ्राइडे किस्मत बदलती है। चमका तो उगता सूरज, नहीं तो ढलती रात। Hey, don't say that. तुम एक अच्छे इंसान हो। तभी तो एक अच्छा इंसान यहाँ अकेले बैठ के पी रहा है ना। तुम अकेले कहाँ हो वरुण? I'm always with you. I love this jacket. Oh, oh. You know, Sonia? I love this jacket. Pata hai kyun? Because ye jacket mujhe nishane di hai.
निशा तुम कब आई? निशा I love you निशा प्लीज डोंट लीव मी आई रियली लव यू निशा I'm not Nisha Varun. हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो कल रात को बस अगर निशा की जगह सोनिया कहकर बुलाया होता तो अच्छा होता। क्या कह रही हो तुम? वरुण where the hell are you? मैं अपने दोस्त के घर पे हूँ। क्यों? तुझे पता भी है कल से निशा का कितना बुरा हाल है। She broke up with me, right? हाँ तो उसने कह दिया और हो गया ब्रेकअप। तू उसकी हर बात मान लेता है वरुण। उसने जो भी कहा उससे मैं कह दिया होगा। But I know she loves you like crazy. Really? Don't be funny, वरुण। जाओ और उससे मिलो। कल से वैसे भी वो बहुत अपसेट है। राहुल के साथ निशा ने जिन पेशेंट्स को ऑपरेशन किया था वो अनसक्सेसफुल रहा। ऊपर से ये सब मैंने सुनने की कोशिश भी नहीं की कि वो क्या कह रही थी। डोंट वरी इट्स नेवर टू लेट जस्ट गो। सोनिया वांट्स टू ब्रेक अप। Just relax. How can I relax? जो कुछ भी हमारे बीच हुआ कल हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो हमारे बीच ही रहेगा। इस घर के अंदर वो बहुत लकी है उसे उसका प्यार वापस मिल रहा है। अबे दिमाग खराब हो गया तेरा? How could you? मैं निशा को जाके सब कुछ सच बता दूंगा। वाह क्या विचार है आप? एक तो कांड किया और अब अखबार में हेडलाइन डलवाना चाहता है। तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। भैया आप समझ नहीं रहे इतना बड़ा झूठ मैं जिंदगी भर उससे छुपाकर उसके साथ नहीं रह सकता। और अगर तूने उसे ये सब बता दिया ना तो उसके साथ जिंदगी बिताने का जो सपना है ना तेरा उसका दूर दूर का कोई सीन नहीं होगा। सोनिया और तेरे बीच में जो कुछ भी हुआ इट वॉज जस्ट अ नाइट। बेबी जो कुछ भी हुआ प्लीज उसे भूल जा। हम एक नई शुरुआत करते हैं एक नया रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ। व्हाट डू यू थिंक? कोई भी नई शुरुआत करने के लिए पुराने सारे चैप्टर्स को खत्म होना बहुत जरूरी होता है। I hope this is not one of your silly pranks, Varun. मुझे लगा कि हमारा ब्रेकअप हो गया and I got badly drunk. और फिर me and Sonia मतलब I was with Sonia and we got really close. What? This is a joke, right, Varun? Did you? Yeah,
एंड आई एम रियली सॉरी, और जो कुछ भी हुआ है आई कांट अंडू इट, बट आई प्रॉमिस ऐसा कभी नहीं होगा निशा, जस्ट ट्रस्ट मी निशा, निशा प्लीज ट्रस्ट यू भैया वाज राइट, कहा था उन्होंने, कहा था कि तुम मुझे कभी खुश नहीं रख पाओ, चीट करोगे मुझे, आई थॉट ही वाज रॉन्ग, बट नो आई वाज रॉन्ग। डोंट टच मी, डोंट टच मी, डोंट टच मी। सच बोलने की बहुत ही बड़ी सजा मिल रही थी वरुण को, क्योंकि सच जानने के बाद निशा उसकी शक्ल देखना तो दूर, उसकी आवाज भी नहीं सुनना चाहती थी। एंड वरुण ने आई थिंक कहीं ना कहीं सही किया कि उसने निशा को सब कुछ सच सच बता दिया, इज बिकॉज शी डिजर्व्स टू नो कि क्या हुआ था। लेकिन ये सच जानने के बाद क्या इनका रिलेशनशिप इसके आगे बढ़ पाता, वुड दे एवर फॉल इन लव अगेन? एक्सक्यूज मी, Hi, I'm Sonia. I'll see you later. How dare you? Please leave right now. मैं तो बस यहाँ तुम्हें तुम्हारी गलती रियलाइज करवाने आई हूँ। वरुण इज अ वंडरफुल गाय। कितनों में गज होता है ये करने का। वो आसानी से ये बात छुपा सकता था, पर उसने वही किया जो मुश्किल था, और आज आज वो किस बात की सजा भुगत रहा है? सच बताने की सजा भुगत रहा है। तुम नहीं जानते कि उसकी क्या हालत है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो प्लीज खुद खुद चलकर देख लो। कैस्ट्रॉल एक्टिव ऑयल। अब मैंने कैस्ट्रॉल एक्टिव स्कूटर इंजन ऑयल डाल दिया है, अब आपका स्कूटर बिल्कुल नए जैसे चलेगा। ब्रिलियंट, चलो ट्रैक ट्रैक ट्रैक, हाथ ऊपर और मूड मूड। अरे एक मिनट वरुण, व्हाट आर यू डूइंग वरुण यार, कहाँ ध्यान कहाँ है तुम्हारा? गाइस लेट्स डू अ लंच ब्रेक, विल कम बैक, कम।
गॉड, पहली बार उसे बुक्स के साथ देख रहे हैं। He hates reading, you know. And guess what, Nisha? उसके बाद भी उसने MBA में एडमिशन लिया। बेचार, अपने पैशन को छोड़कर पैसों के पीछे भाग रहा है। Just cause he wanted to marry you. हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह वरुण का लो सेल्फ एस्टीम और पुअर सेल्फ कॉन्फिडेंस था। अब तुम ही सोचो निशा, अगर ऐसे में वो तुम्हें और राहुल को इस तरह से देखे तो वो क्या सोचेगा? यही सोचेगा ना कि ही इज नॉट गुड इनफ फॉर यू। ट्रस्ट मी, ही लव्स यू अ लॉट निशा। It's too late. Rahul's family is coming in the evening. जहाँ सवाल प्यार का होता है, वहाँ कभी देर नहीं होती। Don't. He loves you a lot, Nisha. He loves you a lot. हमें ये रिश्ता मंजूर है, चलिए सगाई की रस्म पूरी करते हैं। निशा, भाभी, भाभी प्लीज दरवाजा खोलिए। बेशर्मियां बर्बादियां है इश्क की। निशा क्या कर रहे हो? भैया प्लीज, वरुण जस्ट निशा, भैया एक मिनट। दुश्वार हो किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई टोक दे। निशा जब मैंने तुम्हें सेट पे देखा तो मेरे अंदर एक हिम्मत आई और उसके साथ एक उम्मीद कि शायद अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। प्लीज टेल मी आई एम राइट निशा, प्लीज। यू आर नॉट राइट वरुण। जो ये संचले, जो ये रंग चले, you're my Mr. Right and 100% perfect for me. Kiski majal koi tok de ishq ke junoon ruke nahi. Enough, bahut ho gaya, tum niklo. Otherwise I'll call the cops. I will go, but I just want to share something with you. Ab kya yaar, aap bilkul theek keh rahe, aap jaisa kahenge main bilkul waise hi karunga. मैं निशा के साथ ब्रेकअप कर लूंगा और निशा की शादी राहुल के साथ हो जाएगी। आइए ना, एक मिनट, एक बार सोचिए कि कुछ सालों बाद क्या होगा। जस्ट इमेजिन,
रात का वक्त है, मैं एक गैराज में काम करता हूं और सडनली एक गाड़ी खराब हो जाती है। और वो गाड़ी निशा की होती है और निशा और मेरी मुलाकात हो जाती है। कैसी हो निशा? तुम कैसे हो? मैंने अपनी वो जॉब छोड़ दी क्योंकि मुझे लगा कि उसी जॉब की वजह से हम दोनों साथ नहीं हैं। तुम ये मैकेनिक की नौकरी? क्योंकि मुझे भरोसा था कि मेरी रुकी हुई जिंदगी की तरह तुम्हारी गाड़ी भी यहीं आके रुकेगी, जैसे मैं अपने टूटे दिल का इलाज ढूंढ रहा हूं, तुम भी अपनी टूटी गाड़ी का इलाज ढूंढते हुए यहीं आओगे और हम मिलेंगे एक बार फिर। मेरी आंखों में इस तरह से मत देखो, तुम्हें मुझसे फिर से प्यार हो जाएगा। प्यार खत्म ही कहां था वरुण? So what I mean is, हम दोनों के एक दूसरे से दूर रहने के बाद भी हमारा प्यार कम नहीं होगा और हम दोनों को उस रात का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और उस रात तीन चीजें फिक्स हो, एक टूटी कार और दो टूटे दिल, और उसी रात को एक ऐसा रिलेशनशिप शुरू होगा जो तीन लोगों की जिंदगी में तूफान लेकर आए, मेरी, निशा की और राहुल की जिंदगी। What? Are you serious? अब निशा क्या ऐसा हो सकता है? हो भी सकता है, you never know। इतनी गहरी रात में ऐसी बातें तो हो जाती हैं। I mean, I'm just saying, it's possible ना? हाँ राजेश, मुझे लगता है कि हाँ हो सकता है। भैया आप इस तूफान को आप ही रोक सकते हैं। नेवर एवर, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। तो राहुल, अगर ऐसा हो गया जैसे लोग बोल रहे हैं, तुम निशा को तो माफ कर दोगे? What? Are you serious? Next to impossible. Of course. और करना भी नहीं चाहिए। तो इस सिचुएशन में तो शायद हम एक ही चीज कर सकते हैं, रिश्ता कैंसिल। All well that ends well, हुई ना हमारी लव स्टोरी के हैप्पी एंडिंग। और हो भी क्यों, क्योंकि अगर आपके प्यार में ताकत होती ना तो आपके सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना छोटी लगने लगती। The power of love। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते with another beautiful love story। तब तक के लिए मैं आपको मिलाता हूँ निशा जैसी एक लड़की से।